हर कोई सीरम्स को यूज़ करना चाहता है, लेकिन आप कौन सा सीरम यूज़ करें और किस वक्त यूज़ करें, कैसे यूज़ करें और आपके स्किन पे क्या प्रॉब्लम है या आपकी क्या स्किन टाइप है जिसकी वजह से आपको कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए। सीरम जो है वो बेसिकली हाई इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, यानी कि सीरम्स में जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है सीरम जो है, ठीक है, कंपेयर करें अगर आप क्रीम से। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जो है वो मॉलिक्यूलर साइज़ जो होता है, इसके जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो छोटा होता है। जब वो छोटा होता है तो उसकी डिलीवरी जो है वो ज़्यादा आसान हो जाती है स्किन के अंदर। फिर आ जाता है कि इसके जो इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स। क्रीम्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेम इंग्रेडिएंट्स क्रीम में भी हो सकते हैं जो कि सीरम्स में होते हैं, लेकिन वो पावरफुल इतने नहीं होंगे, और जो सीरम्स होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि जो सीरम्स होते हैं वो आपकी स्किन के डीपर लेयर तक पहुँचते हैं, और डीपर लेयर में जाने की वजह से उनका रिजल्ट जो है और उनकी एफिकेसी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स। अब क्या और इसके अंदर क्या होता है, इनकी जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होती है। वो इसीलिए बेहतर होती है कि डीपर लेयर में जाता है इसका व्हीकल जो कि स्किन के अंदर लेके जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट को, वो डिफरेंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो भी ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसकी वजह से जो है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो क्या होती है, एक तो ये कि इंग्रेडिएंट जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके साथ साथ जो है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस इस तरह से उनको किया जाता है कि जब वो स्किन के अंदर डिलीवर होते हैं तो तब भी वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ ही डिलीवर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस वक्त आपने उसको बनाया था तो इंग्रेडिएंट कुछ और था और उसके बाद जब वो बनने के बाद स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट ही आपकी स्किन के अंदर इन्वॉल्व, आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए इसका रिजल्ट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसकी क्या ख़ास बात है, सीरम्स की ये ख़ास बात होती है कि सीरम्स जो हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि सीरम्स जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि अगर किसी को ये इशू है स्किन के ऊपर या ये स्किन टाइप है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ये सीरम यूज़ करना चाहिए। सीरम्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स स्किन की जो हैं उनके लिए डिफरेंट सीरम्स जो हैं या स्पेसिफिक सीरम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो हो गया कि सीरम्स में और क्रीम्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे जो टॉप का डिफरेंस है या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि सीरम्स जो होते हैं इनके अंदर पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है, इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स, और डीपर लेयर्स में एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ पे डीपर लेयर्स में एब्जॉर्ब होके आपकी स्किन को एक अच्छा रिजल्ट जो है वो देते हैं, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि इसको लगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। हाँ जी, इसके जो बेनिफिट्स हैं या इससे जो हम फ़ायदे ले सकते हैं वो क्या क्या है, आपकी स्किन के टेक्स्चर को बेहतर करता है, इसके अलावा आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बेहतर करता है, इसके साथ साथ जो है वो आपके कॉम्प्लेक्शन में इम्प्रूवमेंट देगा, और जो पोर साइज है उसको भी ये डिक्रीज करता है, पोर्स को टाइटन अप करता है, ठीक है। जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं कि ये जो है ये बेसिकली आपकी स्किन के टेक्स्चर को बेहतर करता है, उसके साथ साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करता है, पोर साइज को इम्प्रूव करता है, पोर्स को टाइटन अप करता है, और उसके साथ साथ स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है, ज़्यादा अच्छा करता है, ठीक है। अच्छा, जब आप कोई सीरम लेना चाहते हैं या इस्तेमाल करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ नोट करनी चाहिए या क्या चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए उसके बाद आप सीरम को बाय करें, और कौन सा सीरम बाय करना चाहिए ये कैसे पता चलता है। इसके दो मेन जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ योर स्किन टाइप, आपकी स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपने सीरम को चूज़ करना है। और फिर सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है, वो ये होता है कि आपकी स्किन पे इशू क्या है, आपकी स्किन का प्रॉब्लम क्या है, यानी कि दो चीज़ें जो कि आपने देखनी होती हैं, एक है
कि आपकी स्किन टाइप क्या है, और सेकंड नंबर पे आ जाता है कि आपकी स्किन पे इशू क्या है, आपकी स्किन का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कि सिरम खरीद लिया हमने। अब जब हमने सिरम ले लिया तो हमें ये नहीं पता कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है, तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगी हूँ कि आप किस आपकी रूटीन में जो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या होना चाहिए। क्लिंजिंग अगर आप करेंगे, आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपने सिरम कब लगाना है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर आप क्लिंजिंग करते हैं तो क्लिंजिंग के बाद सिरम लगाया जाता है। अगर आप एक्सफोलिएशन करते हैं तो एक्सफोलिएशन के बाद सिरम लगाया जाता है, पहले नहीं। ठीक है, उसी तरह क्लिंजिंग से पहले नहीं, क्लिंजिंग के बाद में सिरम लगाया जाता है। अगर आपने फेस वॉश कर लिया है और आपने टोनर भी लगाना है और सिरम भी लगाना है और आप कन्फ्यूज्ड हैं कि पहले क्या लगता है, तो पहले टोनर लगेगा और उसके बाद आप सिरम अप्लाई करेंगे। अगर आपने क्रीम भी यूज़ करनी है या मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और आप सिरम भी यूज़ करना चाहते हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि आप पहले क्या लगाएंगे और बाद में क्या, तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले सिरम लगता है और उसके बाद जो है वो क्रीम्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर आपको आपने मास्क लगाया और आपको ये समझ नहीं आ रही है कि मैंने किस स्टेप पे, यानी कि मास्क के बाद क्या लगाना है या जो सिरम है उसको कब लगाना है, तो सिरम जी जब आप मास्क को उतार देते हैं, वॉश कर देते हैं या उतार देते हैं, सिरम उसके बाद लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक और, वो ये है कि बेशक ये हाईली पैक्ड होते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं विद द एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स, और इनकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है और डीपर लेयर्स में जाते हैं और काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं, लेकिन मैजिक फिर भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इनकी एफिकेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द क्रीम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो उसकी वजह से ये पर्जिंग भी देंगे। पर्जिंग क्या होती है कि जब भी आप एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स अपनी स्किन पे लगाना शुरू करेंगे, कोई भी एक्टिव इन्ग्रीडियंट हो, तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ब्रेकआउट करती है और उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाती है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द स्किन होता है जिसमें वो अपने आप को नॉर्मलाइज करती है, रिजुविनेट करती है, दिस इज कॉल्ड एज पर्जिंग। तो पर्जिंग तो होनी ही होती है, बिकॉज आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे तो पर्जिंग तो होगी ही। ठीक है, और कम अज कम भी आपको कोई भी, अगर आप सिरम लगाना शुरू करते हैं तो आपको 6 वीक्स का ड्यूरेशन जो है वो ज़रूर रखना चाहिए अपने माइंड में कि 6 हफ्ते तक आपने ये नहीं सोचना कि आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है और क्या रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन आप एटलीस्ट जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स है, 6 वीक्स के लिए यूज़ करें सिरम को, उसके बाद देखें कि आपकी स्किन पर उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा, तो ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि सिरम्स क्या होते हैं, वो क्रीम से डिफरेंट कैसे होते हैं, उसके बाद आपने इनको चूज़ कैसे करना है कि आपके लिए सिरम कौन सा बेहतर है, और फिर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से सिरम को यूज़ कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको इसके एडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स और जो के इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो है वो आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट्स हैं वो आप किस किस चीज़ के अंदर देख सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है,